हेलो दोस्तों, मैं सुरभि आप सभी का अपने चैनल दुनिया अब तक में स्वागत करती हूँ। क्या आप लोग जानते हैं कि श्री जगन्नाथ मंदिर की जितनी मान्यता है उतने ही कई ज़्यादा रहस्य भी हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं श्री जगन्नाथ मंदिर से जुड़े कई ऐसे रहस्यों के बारे में आपको बताऊंगी जो आज तक रहस्य ही बने हुए हैं। इससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के अपडेट आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म के हिसाब से चार धाम बद्रीनाथ, द्वारिका, रामेश्वरम और पुरी हैं। मान्यता है कि भगवान विष्णु जब चारों धाम पर बसे तो सबसे पहले बद्रीनाथ गए और वहां स्नान किया। इसके बाद वो गुजरात के द्वारिका गए और वहां कपड़े बदले। द्वारिका के बाद उड़ीसा के पुरी में उन्होंने भोजन किया और अंत में तमिलनाडु के रामेश्वरम में विश्राम किया। पुरी में भगवान श्री जगन्नाथ का मंदिर है। पुरी के इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बालभद्र और बहन सुभद्रा की लकड़ी की मूर्तियां हैं। लकड़ियों की मूर्तियों वाला ये देश का अनोखा मंदिर है। जगन्नाथपुरी जितना खूबसूरत है उतना ही रहस्यमय भी है। समुद्र के किनारे बना ये मंदिर अपने अंदर कई दैवीय चमत्कारों को समेटे हुए हैं। यहाँ विज्ञान के कई नियम भी काम नहीं करते हैं। भगवान जगन्नाथ के इस मंदिर पर जाकर कोई भी इन आश्चर्यों को देख सकता है, लेकिन अनेक प्रयासों के बावजूद अब तक इन रहस्यों से पर्दा नहीं उठ पाया है। मंदिर से जुड़ी एक मान्यता यह भी है कि जब भगवान कृष्ण ने अपनी देह त्याग किया और उनका अंतिम संस्कार किया गया तो शरीर के एक हिस्से को छोड़कर उनकी पूरी देह पंचतत्व में विलीन हो गई। मान्यता है कि भगवान कृष्ण का हृदय एक जिंदा इंसान की तरह ही धड़कता रहा। कहते हैं कि वो दिल आज भी सुरक्षित है और भगवान जगन्नाथ की लकड़ी की मूर्ति के अंदर है। तो चलिए जानते हैं प्रमुख रहस्यों में से कुछ रहस्यों के बारे में। नंबर वन, शिखर की ध्वजा। हवा के खिलाफ लहराती है मंदिर के शिखर पर स्थित ध्वजा। हमेशा यह ध्वजा हवा के विपरीत दिशा में ही लहराती है। ऐसे क्यों होता है, यह एक रहस्य ही बना हुआ है। एक और अद्भुत बात इस ध्वज से जुड़ी ये भी है कि इसे हर रोज बदला जाता है और बदलने वाला भी उल्टा चढ़कर ध्वजा तक पहुंचता है। ध्वज पर शिव का चंद्र बना हुआ है। मान्यता ये है कि यदि एक दिन ध्वजा को न बदला जाए तो मंदिर के द्वार 18 साल तक बंद हो जाएंगे। नंबर टू, हवा का रुख है उल्टा। अक्सर समुद्री इलाकों में हवा का रुख दिन के समय समुद्र से धरती की तरफ होता है, जबकि शाम को उसका रुख बदल जाता है, वह धरती से समुद्र की ओर बहने लगती है। लेकिन यहाँ भगवान जगन्नाथ की माया इसे उल्टा कर देती है और दिन में धरती से समुद्र की ओर व शाम को हवा समुद्र से मंदिर की ओर बहती है, यानी धरती की ओर हवा का बहाव होता है। नंबर थ्री, सुदर्शन चक्र। यह मंदिर के शिखर पर ही अष्ट धातु से निर्मित सुदर्शन चक्र है जो हर जगह से सीधा दिखता है। इस चक्र को नील चक्र भी कहा जाता है और मान्यता के अनुसार इसके दर्शन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसकी खास बात यह है कि यदि हम किसी भी कोने से खड़े होकर किसी भी दिशा से इस चक्र को देखेंगे तो ये हमेशा हमें समान बिल्कुल सीधा ही नजर आएगा। नंबर फोर, मंदिर का शिखर। आमतौर पर मंदिर, मस्जिद या किसी बड़ी इमारत पर पक्षियों को बैठे हुए देखा जाता है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर पर कभी किसी पक्षी को उड़ते हुए नहीं देखा गया है। कोई पक्षी मंदिर परिसर में बैठे हुए दिखाई नहीं दिया है। यही वजह है कि हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर तक मंदिर के ऊपर से नहीं गुजरते हैं। नंबर फाइव, सिंह द्वार का रहस्य। जगन्नाथपुरी मंदिर समुद्र किनारे है। मंदिर में एक सिंह द्वार है। कहा जाता है कि जब तक सिंह द्वार में कदम अंदर नहीं जाता तब तक समुद्र की लहरों की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन जैसे ही सिंह द्वार के अंदर कदम जाता है लहरों की आवाज़ हो जाती है। इसी द्वारा सिंह द्वार से निकलते वक्त वापसी में जैसे ही पहला कदम बाहर निकलता है समुद्र की लहरों की आवाज फिर आने लगती है। ये भी कहा जाता है कि सिंह द्वार में कदम रखने से पहले आसपास जलाई जाने वाली चिताओं की गंध भी आती है, लेकिन जैसे ही कदम सिंह द्वार के अंदर जाते हैं ये गंध भी खत्म हो जाती है। सिंह द्वार का ये रहस्य भी अब तक रहस्य ही बना हुआ है। नंबर सिक्स, नहीं पड़ती गुंबद की परछाई। विज्ञान के इस नियम को तो हम सब जानते हैं कि जिस वस्तु पर भी रोशनी पड़ेगी उसकी छाया भले ही आकार में छोटी या बड़ी बने बनेगी जरूर, लेकिन सृष्टि के पालनहार भगवान जगन्नाथ के मंदिर का ऊपरी हिस्सा विज्ञान के इस नियम को चुनौती देता है, क्योंकि दिन के किसी भी समय इसकी परछाई नजर नहीं आती है। नंबर सेवन, मंदिर की रसोई का रहस्य। कहा जाता है कि जगन्नाथ मंदिर में दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है। इस रसोई में 500 रसोइये और 300 उनके सहयोगी काम करते हैं। इस रसोई से जुड़ा एक रहस्य यह है कि यहाँ चाहे लाखों भक्त
आ जाए। कभी प्रसाद कम नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ही मंदिर का गेट बंद होने का वक्त आता है, प्रसाद अपने आप ही खत्म हो जाता है, यानी यहाँ प्रसाद कभी व्यर्थ नहीं होता है। इसके अलावा मंदिर में जो प्रसाद बनता है वो लकड़ी के चूल्हे पर बनाया जाता है। ये प्रसाद 7 बर्तनों में बनाया जाता है। 7 बर्तन को एक के ऊपर एक करके एक साथ रखा जाता है, यानी 7 बर्तन चूल्हे पर एक सीढ़ी की तरह रखे होते हैं। सबसे हैरानी की बात ये है कि जो बर्तन सबसे ऊपर होता है उसमें सबसे पहले प्रसाद बनकर तैयार होता है, उसके बाद उसके नीचे वाले बर्तनों का प्रसाद तैयार होता है। अब जानते हैं मूर्तियों के बारे में। हर 12 साल में बदली जाती हैं मूर्तियाँ। जगन्नाथपुरी मंदिर की तीनों मूर्तियाँ हर 12 साल में बदली जाती हैं। पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियाँ स्थापित की जाती है। मूर्ति बदलने की इस प्रक्रिया से जुड़ा एक रोचक किस्सा ये भी है कि जिस वक्त मूर्ति बदली जाती है तब पूरे शहर में बिजली काट दी जाती है और सिर्फ उसी पुजारी को मंदिर के अंदर जाने की इजाजत होती है जिन्हें मूर्तियाँ बदलनी होती है। मूर्तियाँ नई जरूर बनाई जाती है लेकिन आकार और रूप वही रहता है। कहा जाता है कि इन मूर्तियों की पूजा नहीं होती, केवल दर्शनार्थ रखी गई हैं। अब जानते हैं यहाँ की रथ यात्रा के बारे में। विश्व की सबसे बड़ी रथ यात्रा आषाढ़ माह में भगवान रथ पर सवार होकर अपनी मौसी रानी गुड़ीचा के घर जाते हैं। ये रथ यात्रा 5 किलोमीटर में फैले पुरुषोत्तम क्षेत्र में ही होती है। रानी गुड़ीचा भगवान जगन्नाथ के परम भक्त राजा इंद्रदयुन की पत्नी थी, इसलिए रानी को भगवान जगन्नाथ की मौसी कहा जाता है। अपनी मौसी के घर भगवान जगन्नाथ 8 दिन तक रहते हैं और आषाढ़ शुक्ल दशमी को वापसी की यात्रा होती है। अब जानते हैं कि कैसे हनुमान जी करते हैं जगन्नाथ की समुद्र से रक्षा। माना जाता है कि 3 बार समुद्र ने जगन्नाथ जी के मंदिर को तोड़ दिया था। कहते हैं कि महाप्रभु जगन्नाथ ने वीर मारुति हनुमान जी को यहाँ समुद्र को नियंत्रित करने हेतु नियुक्त किया था, परंतु तब जब हनुमान भी जगन्नाथ बालभद्र एवं सुभद्रा के दर्शनों का लोभ संवरण नहीं कर पाते थे, वे प्रभु के दर्शन के लिए नगर में प्रवेश कर जाते थे, ऐसे में समुद्र भी उनके पीछे नगर में प्रवेश कर जाता था। केसरी नंदन हनुमान जी की इस आदत से परेशान होकर जगन्नाथ महाप्रभु ने हनुमान जी को यहाँ स्वर्ण बेड़ी से आवत कर दिया। यहाँ जगन्नाथपुरी में ही सागर तट पर बेदी हनुमान का प्राचीन एवं प्रसिद्ध मंदिर है। भक्त बेड़ी में चकड़े हनुमान जी के दर्शन करने के लिए यहाँ जाते हैं। तो दोस्तों, श्री जगन्नाथ मंदिर के रहस्यों पर आधारित मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ आगे शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।